हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम उठाटे। और आज अपनी वीडियो इसलिए लेट है क्योंकि विंडो उड़ गई थी मेरी, तो सारा अपना जो सेटअप है दोबारा से करना पड़ा है। तो अब देखते हैं अपनी पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपी में भी और जावा में भी। और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास वो काफी थ्योरी में दी हुई है, काफी बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं आपको ईजी वे में बताता हूँ कि इसने कहा क्या है। इसने सिंपल क्या कहा भाई, संता मैरिज ब्यूरो में जाता है, ठीक है। मैरिज ब्यूरो वाला क्या कहता है, वहाँ पे हमारे पास एन लड़कियां हैं और वो ये बता देता है उसको कि भाई किस लड़की के साथ कनेक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 10 लड़कियां हैं, उसने क्या बता दिया, पहली का दूसरी के साथ कनेक्शन है, दूसरी का तीसरी के साथ, तीसरी का चौथी के साथ, ठीक है। अगर पहली का दूसरी के साथ कनेक्शन है और दूसरी का तीसरी के साथ कनेक्शन है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इसका मतलब पहली का तीसरी के साथ भी कनेक्शन होगा, ठीक है। तो जितनियों का आपस में कनेक्शन है ना, वो एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे पहले और दूसरे का कनेक्शन है तो ये दो का ग्रुप बन गया, फिर इसमें जब तीसरी भी ऐड हो गई तो तीन का, फिर इसमें जब चौथी भी ऐड हो गई तो चार का, फिर इसमें जब पांचवी भी ऐड हो गई, इसका मतलब पांचों का आपस में कनेक्शन है, पांच का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब संता को बस सिंपल सी क्या बात है, हमें निकालना क्या है, ठीक है। ये सारी थ्योरी है मैरिज मोरी शादी सुद्दी इसकी बनता बुनता कुछ भी हो, हमें सिंपल निकालना क्या है, जो भी ग्रुप बना ना भाई, जो भी मैक्सिमम साइज का हमारे पास ग्रुप बना है, मान लेता हूँ के साइज है उसका, ठीक है, तो kth प्राइम नंबर निकालना है। मैक्सिमम साइज का ग्रुप पांच का बना है तो फिफ्थ प्राइम नंबर जो कि हमारे पास होगा 11, वो निकालना है। बिल्कुल सिंपल बात ये हमें कही हुई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एग्जांपल को जाकर व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, वहां पर समझेंगे और पूरा इसको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल में मेरे पास क्या कहा भाई, 10 लड़कियां, ठीक है। कनेक्शन कैसे गिवन है, पहले का दूसरे के साथ है, दूसरी का तीसरी के साथ है, तीसरी का चौथी के साथ, चौथी का पांचवी के साथ, छठी का सातवीं के साथ, एक और है वो भी चेक कर लेते हैं कौन सा है, नौवीं का दसवीं के साथ, जी ठीक है, नौवीं का दसवीं के साथ, चलो ठीक है। ठीक है, आपने क्या कहा भाई, पहले का दूसरे के साथ कनेक्शन है, तो इसको ना इजी वे में देखो, पहले का दूसरे के साथ कनेक्शन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी का तीसरे के साथ कनेक्शन है, दूसरी का तीसरे के साथ कनेक्शन है, तीसरी का चौथी के साथ कनेक्शन है, तीसरे का चौथी के साथ कनेक्शन है, चौथी के पांचवी के साथ कनेक्शन है, चौथी के पांचवी के साथ कनेक्शन है। टोटल 10 गर्ल्स है, एक से लेकर पांच तक निमट गई, छठी सातवीं का कनेक्शन है, लेकिन पांचवी और छठी का नहीं है, ठीक है, बात को समझो, छठी और सातवीं का है, छठी और सातवीं का कनेक्शन है, और आठवीं का अपने पास किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो आठवीं ऐसे ही, नौवीं और दसवीं का आपस में कनेक्शन है, नौवीं और दसवीं ऐसे ही, ठीक है। अब ये ग्रुप बन गए, फाइव साइज का, टू साइज का, टू साइज का, वन साइज का, इसमें से मैक्सिमम साइज क्या है मेरे पास, फाइव, ठीक है। आपको सिर्फ फिफ्थ अपना जो है प्राइम नंबर बता देना है, ठीक है। देखो यहां से ही ये डायग्राम बनाती है आपको, अपनी अप्रोच बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गई, ठीक है। ये एक तरह से अपना क्या हो गया, ये एक तरह से अपना ग्राफ हो गया, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इस कंपोनेंट का साइज निकालना है, इस कंपोनेंट का साइज निकालना है, जिस कंपोनेंट का मैक्सिमम साइज होगा वो मैक्सिमम साइज हमें स्टोर कर लेना है, और वही हमें मतलब फाइव आया तो फिफ्थ प्राइम नंबर, सेवन्थ आया तो सेवन्थ प्राइम नंबर, जो भी अपना स्टोर कर लेना है, ठीक है। अब आपको देखो इनपुट में कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है, लेकिन C++ में जो आपकी एक्चुअल इनपुट गिवन है वो इन द फॉर्म ऑफ एक तरह से आपकी एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है, ठीक है। कैसे, आपको ना जो इनपुट गिवन है वो एक्चुअल में कैसे गिवन है, जो आपके पास जी मैट्रिक्स गिवन है वो ऐसे गिवन है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से उसमें अपना जो ये वाला साइज है उसका 11 है 10 के केस में, ठीक है। और यहाँ पर जीरो का जिसके साथ कनेक्शन है, मतलब जीरो के साथ जो जो कनेक्टेड है वो आ जाएंगी, वन के साथ सिर्फ मेरे पास टू कनेक्टेड थी, टू के साथ मेरे पास कौन कौन कनेक्टेड था, वन और थ्री, ठीक है, थ्री के साथ मेरे पास भाई टू भी और फोर भी, और फोर के साथ मेरे पास कौन कौन कनेक्टेड था भाई, थ्री भी और फाइव भी, लेकिन फाइव के साथ मेरे पास खाली फोर कनेक्टेड था, सिक्स के साथ मेरे पास सेवन कनेक्टेड था, सेवन के साथ मेरे पास सिक्स कनेक्टेड था, एट के साथ कोई कनेक्टेड नहीं था, नाइन के साथ टेन, टेन के साथ नाइन, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको गिवन है, इसका मतलब पहले से ही आपका काम है जो वो C++ में बिल्कुल आसान कर दिया गया है, आपको ये गिवन है। आपको क्या, अगर टू के कनेक्शन पता लगाने हैं तो इंडेक्स टू पर जो जो वैल्यू पड़ी है, मतलब वन और थ्री के साथ टू का कनेक्शन है, ठीक है। आपको कह देते हैं एट के कनेक्शन पता लगाने हैं तो उसका साइज क्या है, जीरो, इसका मतलब उसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसान आपका काम कर दिया। आपको सिंपल क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, आपको अपनी DFS अप्लाई करनी है। DFS कैसे अप्लाई करोगे, वन नोड से स्टार्ट करोगे, देखोगे क्या करोगे आप, एक लड़की को आप एक ही कनेक्शन में लोगे, ठीक है, एक बार ही विजिट करोगे। यहाँ पर एक 10 साइज का अपने एरे बना लेते हैं, ये बन गया अपना, ये हो गया मान लेता हूँ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 के लिए अपना ये हो गया। आप आए 1 पर, 1 आपका सारे अभी इनिशियली आपके फॉल्स है,
ठीक है, वन आपने देखा फॉल्स है, आप क्या करोगे वन को ट्रू मार्क कर दोगे, और साइज में अपना क्या हो चुका है, एक लड़की तो आ गई भाई ग्रुप में अपने, ठीक है ग्रुप का साइज एक तो हो गया, चलो ठीक है वन जिसके साथ जुड़ा है उन पर चले जाते हैं भाई, चेक करेंगे वन जिनके साथ जुड़ा है क्या वो मेरे पास विजिटेड है, नहीं विजिटेड है और वो इसके साथ जुड़े हैं, इसका मतलब भाई इस ग्रुप में आ गए, ठीक है इस ग्रुप में आ गए, तो इसको ट्रू मार्क कर दो, ग्रुप का साइज कर दो टू, ठीक है फिर टू किस, अब हम टू पर आ चुके हैं, टू किस किस के साथ जुड़ा है, वन के और थ्री के साथ, वन तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है तो वन को मैं विजिट नहीं करूंगा, क्या थ्री मेरा विजिटेड है, नहीं, इसका मतलब ये भी वन और वन टू थ्री तीन का मेरा ग्रुप बन गया, साइज कर दो तीन, इसको ट्रू मार्क कर दो, अब मैं थ्री पर चला गया, थ्री किस किस के साथ कनेक्टेड है, टू तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, फोर मेरा विजिटेड नहीं है, फोर को विजिट करो साथ के साथ, ग्रुप का साइज कर दो फोर, ठीक है फिर फोर देखो किस किस के साथ अपना कनेक्टेड है, किस किस के साथ फोर लड़की का कनेक्शन है, थ्री के साथ है लेकिन थ्री को तो मैं विजिट कर चुका हूँ भाई, ग्रुप का साइज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी मेरे ग्रुप में है, फाइव हाँ भाई नया है, ट्रियो मार्क करो, ग्रुप का साइज हो चुका है फाइव, फाइव किसके साथ कनेक्टेड है, फोर के साथ जो पहले ही मेरा ट्रियो मार्क है, बात यहाँ पर हो गई मेरी खत्म, ठीक है ग्रुप का साइज आया मेरे पास भाई ये आ गया पांच, मैक्सिमम ग्रुप का साइज मेरे पास अभी तक फाइव आया है, ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वन के लिए मेरी डीएफएस जो फॉर लूप चलेगी, ठीक है मेरी अपनी जो अब अपना फंक्शन दिया है उसमें जो फॉर लूप चलेगी, वन के लिए चल चुकी है, जब हम टू के लिए चलाएंगे हम देखेंगे टू मेरा विजिट हो चुका है, थ्री भी फोर भी फाइव तक मेरा विजिट हो चुका है, जब आप छः पर आओगे देखोगे छः मेरा विजिट नहीं हुआ है, छः को विजिट कर लेंगे, ग्रुप का साइज दोबारा से एक हो गया, ग्रुप में मेरे छः आ चुका है, छः के साथ जो सात है उस पर जाकर देखेंगे भाई विजिट नहीं है, इसको विजिट कर लो, ग्रुप का साइज कर दो दो, ठीक है सात के साथ हम मेरे पास क्या है सिर्फ छः है जो मेरा ऑलरेडी विजिट है, ग्रुप का साइज आया दो, मैक्सिमम साइज रहा मेरे पास पाँच, फिर मैं आया सात पर, सात मेरा विजिट हो चुका है, फिर मैं आया आठ पर, आठ मेरा विजिट नहीं हुआ है भाई, आठ पर जाकर देख लेंगे, इसको ट्रू मार्क कर देंगे, ग्रुप का साइज वन कर देंगे, आठ का कोई मेरे पास कनेक्शन है ही नहीं तो आगे फर्दर मेरी कॉल नहीं होगी, यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद मैं आया नौ पर, नौ का ट्रियो मार्क करा, ग्रुप का साइज एक करा, ठीक है फिर नौ से चला गया दस पर, ट्रियो मार्क करा, ग्रुप का साइज हुआ दो, फिर आगे मैं किसी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि दस के साथ भी मेरा नौ ही कनेक्टेड है, अब मेरे सारे विजिट हो चुके हैं, यहाँ पर ग्रुप का साइज आया दो, मैक्सिमम साइज आया मेरे पास फाइव, अब फिफ्थ प्राइम नंबर कैसे निकाले, ठीक है एक ऑप्शन आपके पास है हर केस में आप अपना जो है फिफ्थ प्राइम नंबर कंप्यूट करो, ठीक है लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन आपको जीएफजी ने खुद ही प्रोवाइड कर दिया है, एक प्री कंप्यूट फंक्शन दे दिया है जिसमें आप पहले से ही प्राइम नंबर कंप्यूट कर लोगे, ठीक है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने प्राइम नंबर है वो आप कंप्यूट कर लोगे, एक एरे में स्टोर कर लोगे, ठीक है अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर हम प्राइम नंबर तो कंप्यूट कर लेंगे लेकिन कहाँ तक, ठीक है केथ कहाँ तक, के मेरा कहाँ तक हो सकता है, ठीक है आप कहोगे अब देखो यहाँ पर एन जो है मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास 10 रेस्ट पावर हो सकती है, तो हो सकता है ग्रुप का साइज मेरे पास 10 रेस्ट पावर 5 बने, अब अगर ग्रुप का साइज 10 रेस्ट पावर बनता है तो के की वैल्यू आएगी 10 रेस्ट पावर 5, ठीक है और अगर मैं यहाँ अगर आप सर्च करके बताऊँ ये मेरे पास ये कुछ आएगा मतलब 10 रेस्ट टू पावर क्या 1 2 3 4 5 6 10 रेस्ट टू पावर 7 के अंदर मतलब 6 से थोड़ा ऊपर आइए 10 रेस्ट टू पावर 7 के अंदर मेरा सारा सिस्टम निमट जाना चाहिए इसके अनुसार, ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब आप 10 रेस्ट पावर 7 लेके यहाँ पर अपना प्री कंप्यूट फंक्शन चलाओगे ना तो आपका टाइम लिमिट एरर आएगा, ठीक है तो फिर मैंने उसको क्या करा, मैंने फिर उसको 10 रेस्ट पावर 6 सेट किया, ठीक है 10 रेस्ट पावर 6 करके मेरा चला गया, इसका मतलब 10 रेस्ट पावर 5 के की वैल्यू 10 रेस्ट पावर 5 किसी मेरे टेस्ट केस में नहीं होगी, 10 रेस्ट पावर 6 तक ही मेरा जो आंसर है वो सीमित रह जाएगा, ठीक है तो अब क्या करते हैं, मैंने आपको पूरी अप्रोच बताई है, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या बनकर आने वाली है जी, ठीक है मेरे पास एन जो है 10, क्या आप किसी लड़की को दोबारा विजिट कर देते, जो मैंने आपको अप्रोच बताई, किसी लड़की को आपने दोबारा विजिट नहीं करा, ठीक है इसका मतलब जितने नंबर ऑफ गर्ल्स है एन वो तो आने ही वाली है साथ में, एक चीज आप साथ में देखो, आप हर एक लड़की के कनेक्शन के लिए एक फॉर लूप लगाओगे, ठीक है ऐसा हो सकता है मेरा एक का कनेक्शन दो तीन के साथ हो, ठीक है फिर एक का कनेक्शन दो तीन के साथ है तो इसका मतलब दो का कनेक्शन भी भाई एक के साथ है, तीन का कनेक्शन भी मेरा एक के साथ है, तो वन के लिए जो आपकी ये लूप रन करेगी टू टाइम्स तो ये रन करेगी ही, और टू के लिए भी वन टाइम रन करेगी, और थ्री के टाइम वन टाइम रन करेगी, बेशक आप कॉल नहीं करोगे क्योंकि आप देख लोगे आप एक को विजिट कर चुके हो, ठीक है इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मेरे पास कनेक्शन होंगे, वन के टोटल टू कनेक्शन है, टू के टोटल वन कनेक्शन है, थ्री के टोटल वन कनेक्शन है, जितने नंबर ऑफ कनेक्शन होंगे उतनी बार तो आपकी लूप चलेगी चलेगी, ठीक है तो जितने नंबर ऑफ आपके पास कनेक्शन है वो भी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या आने वाली है भाई, अब जो हमारे पास
हम प्राइम नंबर के लिए ऊपर प्री कंप्यूट करेंगे उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारा सिर्फ एक सिंगल टाइम होगा, वो हमारा पहले ही कंप्यूट होगा, उसकी हमें जरूरत भी पड़ेगी हर बार, ठीक है। तो एक्चुअल में हम क्या अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में देखो आप, एक तो आप अपना विजिटर डायरेक्ट लोगे जिसका साइज होगा ओ फैन, ठीक है। इससे अलग देख लो भाई और क्या हो सकती है हमारी, हमारा रिकर्सिव फंक्शन यूज होगा जिसमें मेरा रिकर्सिव स्टैक स्पेस यूज होगा, ठीक है। रिकर्सिव स्टैक स्पेस में क्या होगा, मेरे पास रिकर्सिव स्टैक स्पेस में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉल हो सकती है। अब आप एक लड़की को दोबारा भी विजिट नहीं करोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स क्या हो सकती है आपके पास, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास गर्ल्स है, ठीक है, तो उसका साइज भी ओ फैन आने वाला है। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ये बनेगी, ठीक है। अब जाते हैं, करते हैं इसको कोड। अब सबसे पहले तो हमें एक अपना विजिटेड एरे लेना पड़ेगा, विजिटेड जिसका साइज रहेगा n 10 है, इसका साइज आप 10 नहीं रख सकते क्योंकि गर्ल्स आपकी 0 से नहीं 1 से शुरू है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। n प्लस 1 रखो इसका साइज, अभी तक कोई गर्ल विजिट नहीं हुआ है, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या करो भाई, हर एक गर्ल्स को 1 से लेके n तक गर्ल्स को विजिट करना शुरू कर दो, अगर कोई गर्ल विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो उसको विजिट करेंगे, DFS फंक्शन कॉल करेंगे, गर्ल को पास करेंगे जो विजिटेड नहीं है वो, साथ में हमारे पास विजिटेड एरे पास होगा और जी पास होगा, और साथ में और क्या पास करें भाई, ग्रुप का साइज भी हमें निकालना है, तो क्या करते हैं यहाँ पर ग्रुप का साइज बना लेते हैं, क्या उसको ही पास कर देंगे ग्रुप का साइज, यहाँ पर एक टेम्प करके बना लेते हैं जिसको शुरुआत में 0 रख लेते हैं, यहाँ पर टेम्प पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं DFS फंक्शन बनाते हैं, void DFS, इसमें मेरे पास एक तो आ रही है नोड जो भी लड़की होगी मेरे पास वो, ठीक है, वेक्टर ऑफ बुल विजिटेड, ठीक है, और साथ में वेक्टर ऑफ इंट, एक तरह से आप कह सकते हो एडजेसेंसी लिस्ट मेरे पास आ रही है, जी नाम से इसको रख लेते हैं भाई, ये कह रहा है मेरे पास टेम्प को बाय रेफरेंस रखेंगे और विजिटेड को भी बाय रेफरेंस रखेंगे, क्योंकि एक बार लड़की को विजिट कर दिया ताकि दोबारा विजिट ना करे, इसको बाय रेफरेंस ले रहे हैं ताकि बार बार कॉपी इसकी ना बनानी पड़े, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जिस भी लड़की पर आए हैं यहाँ से कॉल होकर आए हैं वो विजिटेड नहीं है, उसको विजिटेड कर दो भाई, इसको कर दो विजिट, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसका कनेक्शन जितनों के साथ है उन पर मूव करो भाई, और ऑटो एक्स इसका कनेक्शन जितनों के साथ है, जी में मान लीजिए मेरे पास लड़की आती है सबसे पहले तो जी में पहले पर जो पड़ा है, ठीक है, आप यहाँ पर देखो अपना प्रीवियस में मैंने जी में पहले पर जो पड़ा है इसको देखो, पहले पर मेरे पास 2 पड़ा है तो ये ऑटोमेटिकली 2 पर चला जाएगा, ठीक है, 2 के लिए ये मेरी फोर लूप रन हो जाएगी। इसके अंदर मेरे को चेक करना है क्या मैं 2 को पहले देख चुका हूँ या नहीं, अगर विजिटेड ऑफ एक्स इक्वल फॉल्स है तो ही देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा, ठीक है, तो ही देखूंगा भाई, एक्स कोमा विजिटेड कोमा जी कोमा टेम, ठीक है। और हर बार अगर किसी भी लड़की को विजिट कर रहे हो तो अपना वो तो अपने ग्रुप में ऐड होगी, ठीक है, क्योंकि तभी आप इस पर आओगे जब लड़की मेरी विजिटेड नहीं होगी दोनों साइड से, तभी मेरा DFS फंक्शन कॉल होगा, तो इसका मतलब वो ग्रुप में ऐड होगी, ग्रुप में ऐड होगी तो ग्रुप का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अब टेम्प बाय रेफरेंस लिया हुआ है तो ग्रुप का साइज यहाँ पर मेरा अफेक्ट हो जाएगा हर केस में। एक यहाँ क्या करते हैं, मैक्सिमम मेरे को ग्रुप का साइज स्टोर करना है, इनिशियली उसको 0 ले लेते हैं, और मेरे पास जो एस है वो मैक्सिमम साइज अपना स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब इस सारी फंक्शनैलिटी के बाद, ठीक है, इसके बाद मेरा जो टेम्प में है वो रिटर्न, अगर मैं आपको एस करके दिखाऊं ना, एस में मेरा 5 आ चुका होगा, कंट्रोल 0 करते हैं इसको, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सिर्फ 5 अभी रिटर्न करा है, अभी हमने 5th प्राइम नंबर नहीं रिटर्न कराया, 5 रिटर्न करा है, ठीक है, देखते हैं। हाँ भाई चलो ठीक है, 5 आ गया, ठीक है। अब मेरे को 5th प्राइम नंबर रिटर्न करना है, उसके लिए मेरे को प्री कंप्यूट फंक्शन पहले अपना बनाना है जो GFG ने दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होंगे उनको हमें स्टोर करना है सबसे पहले, तो ठीक है, पहला प्राइम नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके लिए क्या करते हैं, एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं यहाँ पर, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है। इसमें मेरे सारे प्राइम नंबर जो भी होंगे, पहला पड़ा होगा 0 इंडेक्स पर, दूसरा पड़ा होगा 1 इंडेक्स पर, इस तरह से स्टोर होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइम नंबर की जो अपनी रेंज के बारे में मैंने आपको सारा फंडा बताया, वो मेरा कनेक्ट नाइन टू पावर 6 तक जा सकती है, तो क्या करते हैं यहाँ पर एक वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर ऑफ बुल रख लेते हैं भाई, कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है, इस प्राइम नाम से ले लेते हैं भाई, सिंपल अपना स्टैंडर्ड 10^6+1, ठीक है, क्योंकि 6 तक जा सकता है 0 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से अपना, और शुरुआत में सारी हमारे जो है नंबर वो प्राइम नंबर है, और 0 और 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये हो गया मेरा 0-1 प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब 2 से मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है, i equal to 2, i less than equal to 10^10
सिक्स, ठीक है, आई प्लस प्लस, अगर इज प्राइम ऑफ आई है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको हल्का सा ना इसका और भी दे देता हूँ, क्योंकि आपको किसी प्रकार का डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या करा, जीरो को फॉल्स, वन को फॉल्स मार्क करा, फिर टू से लूप चलाई, ठीक है, ये फॉल्स है, सॉरी फॉल्स, ठीक है, टू से लूप चलाई। अब टू मेरा इनिशियली सारे मार्क थे ट्रू, मैंने खाली दो को ही फॉल्स मार्क करा है, टू मेरा ट्रू है, इसका मतलब वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब वो एक मेरा प्राइम नंबर है तो आंसर में से पुश बैक कर दो आई को, इसका मतलब आंसर में जो जीरो इंडेक्स पे है वो मेरा टू आ चुका है, ठीक है। अब देखो ये प्राइम नंबर है, अब टू के जो भी मल्टीपल होंगे फोर सिक्स एट टेन, ये क्या होंगे, फॉल्स, ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरे को इन सारों को मार्क कर देना है फॉल्स। वो कैसे मार्क करूंगा, मैं फोर से अपनी लूप चला लूंगा, ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगा, फोर इंट जे इक्वल टू, आई में मेरे पास क्या है टू, टू क्रॉस आई, फोर से अपनी लूप चला लूंगा, जे लेस देन जो भी मेरा मैक्सिमम साइज है वहां तक, जे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यहीं तक जा सकता है मेरा, और जे को मैं हर बार आई इंक्रीमेंट करूंगा फोर सिक्स एट, ठीक है, और इन सबको अपना मैं फॉल्स मार्क करता हुआ अपना चला जाऊंगा। इज प्राइम में जे को मैं फॉल्स मार्क कर दूंगा, मेरा टू फोर सिक्स एट, ठीक है, टेन रेस टू पावर वर सिक्स तक मेरा फॉल्स मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आऊंगा थ्री पर, आउटर लूप मेरी थ्री पर आएगी, फिर मैं देखूंगा थ्री भी मेरा प्राइम है, क्योंकि वो तो मेरा मार्क नहीं हुआ ना फॉल्स, थ्री भी मेरा प्राइम है, फिर मैं थ्री के मल्टीपल सारे फॉल्स अपने मार्क करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ एक बार मेरा कंप्यूट होगा, उसके बाद नहीं, सिर्फ एक बार मेरा फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि हर केस में प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर दो ही रहने वाला है, दूसरा तीन ही रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास जीरो इंडेक्स पे आ चुका होगा टू। अगर आपको पूछा जाए पहला प्राइम नंबर तो आप क्या रिटर्न करोगे, आंसर ऑफ जीरो। अगर आपको पूछा जाए दूसरा प्राइम नंबर आप क्या रिटर्न करोगे, आंसर ऑफ वन, ठीक है, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। तो आप क्या कहोगे, मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करूंगा, आंसर ऑफ एस माइनस वन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप ही नहीं बनता भाई किसी का, ग्रुप का साइज ही आपका जो है वो वन रह जाता है, हमें कहा हुआ है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम में, अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखते हैं अपना प्रॉब्लम है अपने पास कहाँ पर दिया हुआ है, वो माइनस वन, ये रहा हमारे पास दिया हुआ। अगर किसी का किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है, जैसे आठ कल्ला पड़ा था, अगर सारे कल्ले कल्ले पड़े थे, किसी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं होता, तो मैक्सिमम जो ग्रुप का साइज आता वो मेरे पास आता वन, ठीक है, और उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, माइनस वन। तो उसको भी रिटर्न कर देते हैं सबसे पहले, तभी अपना प्राइम नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं भाई, इफ साइज इक्वल इक्वल वन, इसका मतलब किसी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है भाई, सारे कल्ले कल्ले लड़कियां हैं, तो रिटर्न कर दो माइनस वन, वरना मेरा आंसर ऑफ एस ऑफ माइनस वन अपना रिटर्न हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको भाई, मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ, फिर इसका जावा कोड भी आपको दिखा दूंगा, कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ जावा कोड, ठीक है, उसको आपको मैं शो करूंगा, लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी पहले से ही। इसको करता हूँ सबमिट, फिर चलेंगे इसके जावा कोड पर, ये हुआ सबमिट, अब चलते हैं जावा कोड पर। ये तो अपना गाइस जावा कोड, ठीक है, जावा कोड में हमने क्या करा सबसे पहले, अब जावा कोड में हमारे पास जैसे वहां पर एक तरह से एडजेसेंसी लिस्ट गिवन थी, वो गिवन नहीं है यहाँ पर, हमें सिंपल वन का टू के साथ एज है, वन का थ्री के साथ एज है, वो अलग अलग गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर सबसे पहले अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाई, मैंने अपनी 11 आप कह लो एक तरह से अरे लिस्ट लगा ली, एक जीरो इंडेक्स पर, वन इंडेक्स पर, टू इंडेक्स पर, थ्री इंडेक्स पर, ठीक है, ये लगा ली मैंने अपनी जो 11 है वो अपनी अरे लिस्ट। और हर एक अरे लिस्ट में क्या करा, जैसे मेरे पास पहले आ जाया वन से टू के बीच, ठीक है, तो मैंने क्या करा वन वाली अरे लिस्ट में पुश कर दिया, ऐड कर दिया टू, और टू वाली में मैंने क्या ऐड कर दिया वन, ठीक है। इस तरह से फिर मैंने अपना डिजिटल डायरी बना लिया, उसको फॉल्स से अपना फिल कर लिया, और मैंने क्या करा अपनी सिंपल डीएफएस कोड लगाई, ठीक है, जो भी नोड मेरी, जो भी गर्ल मेरी विजिटेड नहीं है उसको अपना विजिट करा, उसका कितने के साथ कनेक्शन है, ग्रुप बना लिया जीरो का, टोटल मेरे पास ग्रुप साइज आ जाएगा टेम्प में। अब आप कहोगे टेम्प मैंने यहाँ पर क्यों इनिशियलाइज नहीं करा, क्योंकि मेरा जावा में बाय रेफरेंस पास नहीं होता, ठीक है, अपना इंट, तो मैंने उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया ताकि मेरा एक्चुअल में वैल्यू रिफ्लेक्ट हो। यहाँ पर मैंने उसको पास नहीं किया क्योंकि टेम्प मेरा एक्सेसिबल है सारी जगह पर, ठीक है। उसके बाद जो भी टेम्प में आएगा वो मैंने अपना मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम ग्रुप साइज मेरा इसमें आ जाएगा, अगर वो वन है तो माइनस वन रिटर्न कर दो, वरना आंसर में से रिटर्न कर दो जो भी मेरा kth प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्री कंप्यूट फंक्शन है उसको भी देख लेते हैं, वहां पर मैंने वेक्टर लिया था, यहाँ पर मैं अरे लिस्ट ले रहा हूँ जिसमें मेरे पास जीरो पर दो, वन पर थ्री, इस तरह से स्टोर होगा, ठीक है, मतलब जीरो इंडेक्स पर पहला प्राइम नंबर, वन इंडेक्स पर दूसरा प्राइम नंबर, इस तरह से स्टोर होगा। ये जो मेरा टैप जो मैंने आपको बताया वही है। प्री कंप्यूट में सिंपल क्या करा, अपने आंसर के लिए न्यू एरे लिस्ट बना ली सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद इज प्राइम फंक्शन बनाया, इज प्राइम अपना एरे बनाया, बुलियन टाइप का कोई नंबर प्राइम है या नहीं,
अगर कोई नंबर प्राइम होता है तो उसको ऐड कर दिया अपने एरे लिस्ट में, ठीक है, और उसके जो भी मल्टीपल है उन सबको फॉल्स मार्क कर दिया। तो ये हमारा हुआ जावा कोड, इसको आपको सबमिट भी कर दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये हो गाइज अपना सबमिट, आई होप गाइज आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।